आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फोन पे ऐप से अगर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को रिमूव करना चाहते हैं तो किस प्रकार गेज यहां पे कर पाएंगे। क्योंकि गेज यहां पे क्या होता है कि गेज यहां पे आप किसी को पैसे भेजते हैं या गेज यहां पे किन्हीं को आप रिचार्ज कर देते हैं या कोई भी गेज यहां पे ट्रांजैक्शन गेज यहां पे करते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है मेरे दोस्त देखे या मेरे गेज यहां पे कोई और देखे और आप उस ट्रांजैक्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप भी जो है फ़ोनपे ऐप से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, डिलीट करने का ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए जिसमें कि मैं आपको फ़ोनपे ऐप से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मैंने जो यहाँ पे फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको जो है राइट साइड के नीचे में हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो है यहाँ पर सारे मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आप इसी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, सबसे पहले गेज यहाँ पे आपको ऊपर में देखने को मिलेगा डाउनलोड गेज यहाँ पे हिस्ट्री का, इससे जो गेज यहाँ पे आप हिस्ट्री को डाउनलोड गेज यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद गेज यहाँ पे आपको फिल्टर वाला एक ऑप्शन दिखेगा, इस फिल्टर के ऑप्शन में जाएंगे तो आप गेज यहाँ पे फिल्टर को लगा कर आप यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख पाएंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि आप इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कैसे कर पाएंगे और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है डिलीट करने का कहां पे ऑप्शन है, तो उसके लिए सिंपल आपको बैक आना है। जैसे कि यहां पे आप बैक आएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में कहीं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के ऑप्शन में जाएंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले गेज यहाँ पे दिखेगा पेमेंट यहाँ पे प्रोफाइल एंड पेमेंट का, सिंपल आप इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद आपको पहला नंबर पे दिखेगा माई फ़ोनपे गेज यहाँ पे प्रोफाइल, सिंपल इसमें जाएंगे। उसके गेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माई फ़ोनपे अकाउंट डिटेल, इसमें जाएंगे। उसके गेज यहाँ पर आपको गेज यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा चेंजिंग और गेज यहाँ पर डिलीटिंग डिटेल का, इसमें जाएंगे और नीचे में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कैन आई डिलीट ऑल माई पेमेंट डिटेल ऑन फ़ोनपे, तो सिंपल आप इसमें जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद गेज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ गया जिसे आप पहले रीड करेंगे। एस पर आरबीआई गाइडलाइंस यूजर फॉर एनी पेमेंट ऐप का नोट बी अलाउ द डिलीट देयर पेमेंट डिटेल फ्रॉम द ऐप, यानी कहने का मतलब है कि आरबीआई के गेज गाइडलाइंस के अनुसार आप यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन गेज यहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं सर मुझे जो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मुझे डिलीट करना है, मुझे यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करना अति आवश्यक है, मुझे ज़रूरत है, तो उस केस में गेज यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन होता है डिलीट करने का, तो सिंपल गेज आपको यहाँ पे बैक आना है। जैसे आप बैक आएंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अदर वाला, सिंपल यहाँ पे अदर वाले सेक्शन में जाएंगे और आपको पहला ऑप्शन दिखेगा अकाउंट सिक्योरिटी एंड रिपोर्टिंग फंडामेंटल एक्टिविटी, इसमें जाएंगे। सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाउ डू आई कीप फोन पे गेज यहाँ पे अकाउंट्स, यहाँ पे सिंपल नीचे में जाएंगे यहाँ पे दिखेगा फ़ोन पे कॉन्टेक्ट अस, उसके नीचे जाएंगे तो गेज यहाँ पे कुछ लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस दिखेगा, यहाँ पे आप देखेंगे आपको फ़ोनपे का कस्टमर केयर का नंबर आपको मिलेगा और यहीं से गेज आप फ़ोनपे के कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं और कॉल करके उनको यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर मुझे जो है अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करना है। तो गेज यहाँ पे आपको गेज यहाँ पे कंपनी वाले आपको खुद गेज यहाँ पे बताएंगे कि आप फ़ोनपे से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर पाएंगे या डिलीट नहीं कर पाएंगे। यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।